अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमिना की मेहमान नवाजी। तो आज हम बनाएंगे चिकन स्पाइसी करी। ये चिकन है 1 किलो, मैंने धो के अच्छे से साफ करके फिर इसको रखी हूँ। अब इसको हम साइड में रखते हैं। मसाले में 1 मुट्ठी धनिया पत्ती, 1 मीडियम साइज का कांदा, ढेर सारा 2 गड्ढी लहसुन, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, ढेर मतलब मिर्ची 8 से 10। स्पाइसी है तो स्पाइसी बनेगा, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। जायका बढ़ाने के लिए ये भुना हुआ मसाला हम तैयार करेंगे। तो ये 4 चम्मच सूखी धनिया है, धनिया बीज, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच जीरा, इसको हम भून के पीसेंगे। तवा गर्म हो गया हमारा, सब इसको भूनेंगे। इतने भूनना है हमको, एकदम रोस्ट करना है, इसकी खुशबू आने लगे तो बंद कर देने का। अब इसको भी हल्का ही भूनेंगे, नहीं लगे तो अब इसको भी निकाल लेते हैं। काली मिर्च, इसको ठंडा करेंगे। जब तक ये ठंडा होएगा जब तक हम हरा मसाला पीस लेते हैं। कोथमीर, अदरक, कांदा, हरी मिर्ची, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला हमारा पीस गया, हरा वाला मसाला पीसेंगे। पानी नहीं डालना है, इसको ऐसे सूखे भूनना है। तो ये भी भून के पीस के तैयार हो गया है सिमो रखने के लिए। तो मैं इसमें से सिर्फ 2 चम्मच डालूंगी, भर के 2 चम्मच। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, भर के हल्दी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा तेल ज़्यादा डालेंगे, चिकन फ्राई करना है। गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके पीस डाल देंगे। ये हमारा सब फ्राई होके हो गया है। इसको फुल फ्राई नहीं करना है, इसको हाफ करना है। तेल में हम बनाएंगे तो 1 तेज पत्ता डाल रहे हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 फूल, 1 टुकड़ा दालचीनी का, इसको भी डाल देंगे। तो ये 4 बड़े साइज का कांदा है, इसको मैंने एकदम चॉप करी हूँ बारीक। ये 3 टमाटर है बड़े साइज का, इसको भी चॉप करी हूँ एकदम से बारीक से। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, पूरा अच्छा गोल्डन कलर आना चाहिए। तो कांदा हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, इसको मैं 5 मिनट तक फ्राई करी हूँ, इतना गोल्डन होना चाहिए। ये हरा मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, मैं लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए। हम नमक भी डाल देंगे, तो नमक का अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, तो मैं 1 चम्मच भर के डाल दूँगी। हम इसको ढक्कन बंद करके इसको अच्छे से बीच में खोल खोल के देख के चेक कर करके इसको खोल के देख। अब इसमें हम ये टमाटर डालेंगे, सारा टमाटर। अब इसी के साथ ही मसाला डालेंगे जो हमारा मसाला पीस के रखे हैं। अब इसी के साथ हम किचन के साथ हम सारा चिकन डाल देंगे। मसाले के साथ हम भूनेंगे 5 से 6 मिनट। तो हमारा मसाला भून के रेडी हो गया है। अब इसकी ग्रेवी के लिए हम दो गिलास पानी डाल के उसको बढ़िया से पकाएंगे 5 से 6 मिनट। इसको पकाएंगे, इसको सारा थोड़ा काढ़ा करेंगे। हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है, तो अब इसमें हम कोयले का धुआं देंगे। इसमें धुआं देंगे, इसको ढक के रखेंगे, धुआं एकदम खत्म हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं कटोरी को। इसमें हम हरा कोथमीर डालेंगे। तो हमारी चिकन स्पाइसी ग्रेवी तैयार हो गई है बनके। अब इसको चपाती के साथ, नान, तंदूरी नान के साथ एंजॉय करो।
और प्लीज़ बहुत मेहनत से बनती है वीडियो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।